वैहर वाली माता के दर पर भक्तों की कतार, 15 दिनों तक चलेगा मेला, सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। सतना जिले के मैहर में माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल नवरात्रि के मौके पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लगने वाले इस मेले की शुरुआत हो चुकी है मैहर के माँ शारदा मंदिर पर। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों भक्त माँ शारदा का दर्शन करने पहुँचते हैं। लोगों की मान्यताएं अलग अलग है जिनको लेकर वह दर्शन करने के लिए मैहर आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। पहले दिन ही माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। नवरात्रि पर 15 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना। मैहर की ऊंची पहाड़ी पर माँ शारदा का मंदिर है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ करीब 10 से 15 लाख भक्त माँ शारदा के दर्शन करने मैहर आते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने से भक्त मैहर आते हैं। वहीं प्रशासन आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम करता है। मैहर पर माँ शारदा मंदिर लोगों की श्रद्धा और आस्था का जागृत करते हैं। मैहर माँ शारदा का मंदिर हाई अलर्ट जोन माना जाता है, जिसके चलते प्रशासन ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है माँ शारदा। मैहर का मंदिर करीब 600 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए 1080 सीढ़ियां बनी हुई है। साथ में रोपवे से भी 150 रुपए के शुल्क जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से मिलता है। 1918 में यह मंदिर छोटा सा था। मंदिर में आने जाने के लिए पहाड़ी में दुर्गम रास्ते से आते जाते थे। 1951 में इस मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण हुआ। श्रद्धालु मंदिर में सीढ़ियों से आने जाने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। नवरात्रि मेले में लाखों श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन के लिए आते हैं। सबकी मनोकामना होती है पूरी। माँ के चरणों में प्रसाद में नारियल, सिंदूर, चुनरी, पान, सुपारी चढ़ाकर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। माँ के दरबार में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किंवदंतियों के अनुसार आज भी माँ शारदा के परम भक्त आराह प्रथम दर्शन करते हैं और जासून के ताजे फूल माँ के चरणों में चढ़ाते हैं।